नमस्कार, बीएनएमयू संवाद में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और मधेपुरा में भी स्थिति काफ़ी गंभीर है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने 16 जुलाई 2020 तक मधेपुरा में सशर्त लॉकडाउन लगा दिया है। साथ ही बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में भी आम लोगों का प्रवेश 31 जुलाई 2020 तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक विश्वविद्यालय में नहीं आए। अत्यावश्यक कार्यों के लिए विश्वविद्यालय का ईमेल आईडी और विभिन्न अधिकारियों का फ़ोन नंबर जारी किया गया है, जिसे आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने संवाद के पूर्व के अंक में भी आप सबों को यह सूचना दी थी। इधर लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन को गति देने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय की एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जिसकी बैठक में ऑनलाइन एजुकेशन को गति देने के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अब सभी शिक्षक ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास का संचालन करेंगे और वीडियो एवं टीचिंग मटेरियल्स अकादमिक शाखा के ईमेल आईडी academicsectionbnmu@gmail.com academicsectionbnmu@gmail.com पर भेजेंगे। सभी विभागाध्यक्षों से प्रत्येक सोमवार को अपने अपने विभागों की रिपोर्ट अकादमिक शाखा में भेजने का अनुरोध किया गया है। कमेटी मंगलवार को सभी वीडियो एवं टीचिंग मटेरियल्स का मूल्यांकन करेगी और उसका ग्रेडिंग भी करेगी। तदुपरांत बुधवार को बेस्ट टीचिंग मटेरियल्स और वीडियो तथा साप्ताहिक रिपोर्ट राजभवन सचिवालय को भेजा जाएगा। अब विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर वैसे ही कंटेंट अपलोड किए जाएंगे जिसे कमिटी अब विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कमिटी द्वारा चयनित कंटेंट को ही अपलोड किया जाएगा। इधर बीएनएमयू संवाद व्याख्यान माला के अंतर्गत लगातार व्याख्यानों का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को जंतु विज्ञान विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर और बीएनएमयू के पूर्व डीएसडब्ल्यू एवं पूर्व कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र श्रीवास्तव ने भारत में कोरोना का शिक्षा एवं समाज पर प्रभाव विषयक व्याख्यान दिया। डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है, इसका भारत सहित पूरी दुनिया पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अभी इसका कोई सटीक इलाज नहीं आया है, अतः बचाव ही एकमात्र इलाज है। हमें इससे बचने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन SOP का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस अब पूरे समाज में फैल चुका है, हमें अब इसके साथ जीना है। इस समय के अनुसार हम अपने आप को ढालें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करें, साथ ही अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाएं। इनका यह पूरा व्याख्यान आप हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। इधर मनोविज्ञान विभाग पटना विश्वविद्यालय पटना के ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास के अंतर्गत रिसर्च मेथोलॉजी पर
विश्वविद्यालय के एकेडमिक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर एम आई रहमान का 5 व्याख्यान सुनिश्चित है। इसके तहत 3 व्याख्यान हो चुके हैं। प्रथम व्याख्यान रिसर्च मीनिंग पर्पस एंड एप्लीकेशंस, द्वितीय व्याख्यान टाइप ऑफ रिसर्च और तृतीय व्याख्यान क्राइटेरिया ऑफ ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम विषय पर था। इन तीनों व्याख्यानों को हमारे YouTube चैनल पर सुना जा सकता है। चतुर्थ व्याख्यान हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन एंड इट्स टाइप का 13 जुलाई 2020 को अपराह्न 2 से 4 बजे तक लाइव प्रसारण होगा। आगे शोध से जुड़े किसी अन्य टॉपिक पर 15 जुलाई को भी अपराह्न 2 बजे से 4 बजे तक लाइव व्याख्यान आयोजित किया जाएगा। संवाद व्याख्यानमाला के अंतर्गत हमारे YouTube चैनल पर शिवनंदन प्रसाद मंडल साधना एवं संघर्ष विषयक व्याख्यानमाला प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे से 12 बजे तक प्रसारित की जाती है। इसके वक्ता हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं इतिहासविद और विश्वविद्यालय के पूर्व कुलानुशासक एवं पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र नारायण यादव मधेपुरी। इस व्याख्यानमाला की अगली कड़ी सोमवार 13 जुलाई 2020 को पूर्वाह्न 11 बजे से हमारे YouTube चैनल पर लाइव प्रसारित की जाएगी। संवाद व्याख्यानमाला के अंतर्गत हमारे विश्वविद्यालय के फेसबुक पेज facebook.com/bnmusambad पर 14 जुलाई 2020 को पूर्वाह्न 11 बजे भारतीय दर्शन में मानसिक समस्याओं का समाधान विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया है। इसकी वक्ता हैं प्रोफेसर डॉक्टर इंदु पांडे खंडूड़ी, जो दर्शन शास्त्र विभाग हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। आप सबों से सादर अनुरोध है कि आप हमारी विभिन्न व्याख्यान मालाओं को सुनकर लाभ उठाएं और इसे अपने व्हाट्सएप एवं फेसबुक पर शेयर कर ज्ञान के प्रचार प्रसार में हमारी मदद करें। बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा और पूरे देश के शिक्षा जगत के लिए एक अत्यंत ही दुखद खबर है। तिलकामणि भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग के पूर्व निदेशक बसंत कुमार चौधरी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका कल 10 जुलाई 2020 को आकस्मिक निधन हो गया। वे लगभग 62 वर्ष के थे। उनके सम्मान में बीएन मंडल विश्वविद्यालय में शनिवार को कुलपति कार्यालय परिसर में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानंजय द्विवेदी ने की। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि मृत्यु शाश्वत है और मानव जीवन नश्वर है। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, लेकिन जो व्यक्ति कुछ कीर्ति करके जाते हैं वे हमेशा जीवित रहते हैं। बसंत चौधरी भी हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि बसंत चौधरी हमेशा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान को आगे बढ़ाने हेतु प्रयासरत रहे। वे एक सफल शिक्षक एवं एक सौहृदय इंसान थे। उनके निधन से शिक्षा जगत और विशेषकर पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान को अपूर्णीय क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि बसंत कुमार चौधरी ने बीएनएमयू में बीएलआईएस एवं एमएलआईएस कोर्स शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सहयोग से ही केंद्रीय पुस्तकालय में 21 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। आगे उनके ही सहयोग से विश्वविद्यालय में 30 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला भी
होने वाली है जिसमें हम उन्हें बुलाने वाले थे, लेकिन दुख की बात है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। साथियों, बड़े ही दुख के साथ और बड़े ही दुखी मन से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच डॉक्टर बसंत कुमार चौधरी, पूर्व पुस्तकालाध्यक्ष TMBU तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के नहीं रहे। कल उनका आकस्मिक निधन हो गया और हमारे विश्वविद्यालय में बिलिस और यमलिस की स्थापना उनके कर कमलों द्वारा ही किया गया था। बिलिस और यमलिस जो वर्तमान में हम लोग विश्वविद्यालय में स्थापित बिलिस यमलिस का स्वरूप देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से उन्हीं की देन है। उन्हीं के निर्देशन में ही 21 दिनों का एक कुशल वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया था, आप लोग जानते होंगे, जिस पर कि हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान उस वर्कशॉप में शिरकत किए थे। लोगों ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया था और ये सारे क्रेडिट गोज टू बसंत कुमार चौधरी, उन्हीं को ये सारा श्रेय जाता है। आपको ये भी बता दें कि आपके विश्वविद्यालय में उसी तरह का वर्कशॉप का आयोजन उस बार 21 दिन का हुआ था, इस बार 30 दिन का आयोजन करने का उपक्रम था और मेरा विश्वविद्यालय पूरी तरह से उनसे अपेक्षा रखता था कि वो आ करके हम लोगों के इस वर्कशॉप को संपन्न कराएंगे, लेकिन अकस्मात बीच में वो हम लोगों को छोड़कर चले गए। उनके निधन से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, फिर भी हम लोग उन्हें हमेशा हमेशा विश्वविद्यालय के इतिहास में जब भी ब्रिटिश और एमडीस की चर्चा होगी उन्हें हम लोग स्मरण करते रहें। आप जानते होंगे मानव जीवन नश्वर है, जो जन्म लेता है वो मरता ही है, लेकिन कीर्ति यश से सहजीवति, जिसकी यश और कीर्ति होती है वो कभी मरता नहीं, वो अपने यश और कीर्ति के माध्यम से हमेशा याद किया जाता है, हमेशा जीवित ही रहता है। डॉक्टर बसंत कुमार चौधरी का व्यक्तित्व भी उसी तरह का था। हमारे विश्वविद्यालय के लिए जो करके गए, हम उस यश और कीर्ति को हमेशा याद रखेंगे, हमेशा स्मरण करते रहेंगे और हम लोगों के हृदय में वो हमेशा जीवित ही रहेंगे। उनकी मौत तो खैर एक प्रकार का चूंकि घटना है, जो कि हम मानव या इस मृत्यु लोक में जो भी हैं उन्हें सहना ही पड़ता है, लेकिन उनकी यश और कीर्ति का पताका हमारे विश्वविद्यालय में हमेशा हमेशा रहेगा। उनके निधन पर हम आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्हें हम लोग विश्वविद्यालय परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और 2 मिनट मौन रह करके हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार को साहस प्रदान करे। कुलसचिव डॉक्टर कपिलदेव प्रसाद ने कहा कि बसंत कुमार चौधरी का BNMU से काफ़ी लगाव था। उन्होंने यहाँ BLIS एवं MLIS कोर्स को स्थापित कराकर अविस्मरणीय काम किया है। वे यहाँ के विद्यार्थियों को शिक्षा भी देते रहे हैं। दिनांक 10/7/2020 को भागलपुर के जो पूर्व निदेशक थे डॉक्टर बसंत कुमार चौधरी जी, उनका निधन हो गया है। बहुत योगदान रहा, उन्हीं के सम्मान में यह आज हम लोग
एक आयोजन कर रहे हैं जिनके अध्यक्षता हमारे माननीय कुलपति महोदय कर रहे हैं। इस अवसर पर सामाजिक विज्ञान संघ का अध्यक्ष डॉक्टर आर के पी रमन, एकेडमिक निदेशक डॉक्टर एम आई रहमान, केंद्रीय पुस्तकालय के प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर एम एस पाठक, डॉक्टर उदय कृष्ण, कुलपति के निजी सहायक शंभु नारायण यादव, पृथ्वीराज यदुवंशी, सिद्धू कुमार आदि उपस्थित थे। हम बीएनएमयू संवाद परिवार की ओर से भी बसंत कुमार चौधरी के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे श्री चौधरी की आत्मा को शांति प्रदान करें और उन्हें सदगति दें, साथ ही उनके परिजनों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।